भाजपा महिला मोर्चा व युवा मोर्चा के तत्वावधान में 9 मई को नगर के कचहरी चौक में भूपेश बघेल पर आबकारी विभाग में 2000 करोड़ के घोटाले करने का आरोप लगाते हुए भूपेश बघेल का पुतला दहन पुलिस के झूमा झपटी के बीच किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष कृष्णकांत चंद्रा ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार की नीति नियत खराब है। भूपेश सरकार द्वारा जो शराब के मामले में इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है, माधव विहार के लालू यादव को भी पीछे छोड़ दिया है। प्रदेश में ईडी के जांच में आबकारी विभाग में 2000 करोड़ से भी अधिक का घोटाला होने का मामला सामने आया है, जिसमें ईडी ने अपने प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि इस घोटाले के पीछे प्रदेश के बड़े नेता का हाथ है, जो सीधे तौर पर भूपेश सरकार की ओर इशारा करता है, जिसके विरोध में आज भाजपा महिला मोर्चा व युवा मोर्चा के तत्वावधान में भाजपा द्वारा भूपेश बघेल का पुतला दहन किया गया। आगे कहा कि ऐसे घोटाला करने वाली भ्रष्टाचार भूपेश सरकार को अपने पद से तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और ऐसा नहीं हुआ तो आगे और भी इससे भी बड़े उग्र प्रदर्शन प्रदेश भर में किए जाएंगे। सख्ती से विष्णु यादव की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार की नीति नियत दोनों खराब है। छत्तीसगढ़ में जितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है शराब घोटाले में, वो बिहार के लालू जी के भी भ्रष्टाचार को पीछे करती है। 2000 करोड़ से भी अधिक का भ्रष्टाचार शराब घोटाले छत्तीसगढ़ में ईडी के छापे से उजागर हुआ है और ईडी ने स्वयं जो प्रेस रिलीज जारी किया है उसमें इस बात का उल्लेख है कि ये कोई बड़े हाई लेवल के पॉलिटिशियन के संरक्षण में हुआ है, जो सीधा सीधा मुख्यमंत्री जी के तरफ इंगित करता है। आज इसी विरोध में, भ्रष्टाचार के विरोध में, महिला मोर्चा और युवा मोर्चा के तत्वाधान में आज यहां पर पुतला दहन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता उपस्थित थे।